and welcome back to our channel Reality 360 Degree. When we start working, we all make a bucket list for ourselves in the back of our minds. Job lag jayegi to gaadi khareedna hai, phone khareedna hai, travel karna hai aur un sab se bhi badi cheez hoti hai ki apna khud ka ghar khareedna hai. Independent hone ke baad hamari life ka primarily major goal apna khud ka ghar own karna ho jata hai. घर खरीद लिया मतलब आपने लाइफ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है जो कि वाकई में एक अचीवमेंट है. बाइंग अ हाउस इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ आवर लाइफ और इसमें 70-80% तक आपको बैंक से लोन मिल जाता है और बाकी का अमाउंट आपको खुद अरेंज करना होता है इंक्लूडिंग एडिशनल चार्जेस. हम होर्डिंग्स में, बैनर्स में एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि मात्र 40 या एक सर्टन अमाउंट में 2 BHK 3 BHK घर खरीदिए एंड वो अमाउंट देखकर हमें लगता है कि शायद ये टोटल अमाउंट है, इसको जमा किया और घर हमारा. पर असल में ऐसा नहीं है एंड डोंट बी सरप्राइज्ड क्योंकि हर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, हर प्रॉपर्टी खरीदने पर एडिशनल चार्जेस इन्वॉल्व होते ही हैं. कुछ लोग इन एडिशनल चार्जेस को हिडन कॉस्ट भी कहते हैं. आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यही चार्जेस डिस्कस करूंगी. जब आप एक सोसाइटी में या एक टाउनशिप में प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको वहां बेसिक अमाउंट के अलावा और कौन कौन से चार्जेस देने पड़ते हैं. सो बेसिकली आज की वीडियो में हम आपके साथ हिडन चार्जेस, हिडन कॉस्ट को डिस्कस करेंगे. संपत्ति खरीदने से जुड़ी हुई कई कॉस्ट होती हैं और ये कॉस्ट बिल्डर द्वारा घोषित कीमत से काफी ऊपर चली जाती हैं. और आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि कस्टमर को इन खर्चों के बारे में पहले से ही पता है, इसलिए इनको इतना ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता है. पर जो कस्टमर पहली बार घर खरीदते हैं वो सिर्फ बेसिक प्राइस पर ध्यान देते हैं, यानी कि रेट पर स्क्वायर फीट. एंड जब वो पेपर वर्क शुरू करते हैं तो उसके लिए ये कॉस्ट अनएक्सपेक्टेड होती है और उसे लगता है कि उससे ये कॉस्ट छुपाई गई है. ये कौन सी कॉस्ट है यही इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा. सो प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको बेसिक कीमत तो देनी ही होती है, उसके अलावा GST, रजिस्ट्रेशन एंड स्टैंप ड्यूटी, मेंटेनेंस चार्जेस, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, इलेक्ट्रिक कनेक्शन चार्जेस, वाटर ड्रेनेज चार्जेस, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस भी देने पड़ते हैं. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. सो जब आप एक घर खरीदते हो तो सबसे पहले आपको उसकी बेसिक कॉस्ट देनी होती है. बेसिक कॉस्ट एक्चुअली में मेन कॉस्ट होती है एंड डेवलपर इसी कॉस्ट को एडवर्टाइज करता है. दूसरी कॉस्ट है GST टैक्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ये कॉस्ट आपकी गवर्नमेंट को जाती है. जैसे कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर आपको बेसिक कॉस्ट का 12% GST देना होता है, वहीं अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज में GST टैक्स 0 हो जाता है. साथ ही रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज में भी GST नहीं देना पड़ता है. So, अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं देन GST इज एन एडिशनल कॉस्ट फॉर यू. नेक्स्ट वी हैव रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस. ये चार्जेस आपके कंपल्सरी चार्जेस होते हैं एंड ये भी आप गवर्नमेंट को देते हो. आसान भाषा में कहें तो ये आपके रजिस्ट्री चार्जेस हैं. ये चार्जेस अलग अलग स्टेट में 5-7% से वैरी करता है और जब तक आप स्टैम्प ड्यूटी जमा नहीं करते घर आपके नाम रजिस्टर नहीं होगा. रजिस्ट्रेशन आपका फुल एंड फाइनल चेंज ऑफ ओनरशिप चार्ज होता है जो कि कोर्ट को कस्टमर देता है. ये लगभग आपका टोटल कॉस्टिंग का 1-2% तक का अमाउंट होता है. नेक्स्ट चार्ज इज मेंटेनेंस चार्ज. एक गेटेड सोसाइटी में रहने वाला रेसिडेंट हर महीने बिल्डर को एक फिक्स्ड अमाउंट पे करता है और ये पैसा सोसाइटी के कॉमन एरियाज के मेंटेनेंस में जाता है. कॉमन एरियाज इंक्लूड स्विमिंग पूल्स, स्टेयरकेस, एलिवेटर्स, लॉबीज, फायर escapes, कॉमन एंट्रेंस एंड exits, बेसमेंट, terraces, parks, प्ले areas, water tanks, etc. सो ऑन एन एवरेज 1,000-3,000 तक रेसिडेंट को मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सोसाइटी दे लिव इन. और ये चार्जेस आपके मंथली बेसिस चार्जेस होते हैं. कभी कभी बिल्डर एक साथ भी एक बड़ा अमाउंट आपसे एज अ मेंटेनेंस चार्ज जमा करवा लेते हैं. सो ये आपका सोसाइटी टू सोसाइटी वैरी करता है. नेक्स्ट इज प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज. इसका मतलब ये है कि ऐसी लोकेशन जहां सभी प्रॉपर्टी प्रेफर कर रहे हैं उस लोकेशन की ऑटोमेटिकली कीमत बढ़ जाती है. जैसे नोएडा में लोग ग्राउंड फ्लोर और नीचे के फ्लोर्स को प्रेफर करते हैं जिससे इन फ्लोर्स का BSP बाकी फ्लोर्स के BSP से ज़्यादा होता है.
मुंबई में कस्टमर अपर फ्लोर्स को प्रेफर करता है, जिस वजह से वहां के टॉप फ्लोर्स का बीएसपी ज्यादा होता है। सो पीएलसी चार्जेस नॉर्मली बीएसपी का 4% तक होता है, यानी कि अगर कस्टमर को पीएलसी प्रॉपर्टी चाहिए तो उसे बेसिक प्राइस में लगभग 4% अमाउंट ऐड करके वो प्रॉपर्टी लेनी होगी, खरीदनी होगी। इसका मतलब है एक एक्स्ट्रा अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पार्किंग चार्जेस। एक अपार्टमेंट खरीदने पर लगभग 50,000 से 5 लाख तक की सिर्फ आपकी पार्किंग पड़ जाती है, डिपेंडिंग अगेन ऑन द लोकेशन एंड पार्किंग स्पेस। कभी कभी आपको बिल्डर एक कार पार्किंग फ्री देता है, एंड अगर आपको एक से ज़्यादा व्हीकल के लिए पार्किंग स्पेस चाहिए तो वो उसके लिए आपको अलग से खरीदनी पड़ती है पार्किंग स्पेस, जिसके अलग से आपके चार्जेस होते हैं। देन कम्स द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इलेक्ट्रिक कनेक्शन चार्जेस। ये आपसे इसलिए चार्ज किया जाता है क्योंकि बिल्डर आपके अपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर देते हैं, जिसमें अपार्टमेंट में वायर और केबल ले डाउन की जाती है। सो बेसिकली आपके अपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करने के लिए आपको बिल्डर को ये अमाउंट देना होता है। अगला चार्ज आपसे वाटर सीवरेज एंड ड्रेनेज चार्जेस के लिए किया जाता है। ये चार्ज भी गवर्नमेंट को जाते हैं, एंड ये भी बेसिकली आपके घर में पानी की फैसिलिटी अवेल करने के लिए आप पे करते हैं। नेक्स्ट यू हैव टू पे फॉर एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। कभी कभी गवर्नमेंट एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज देना कंपल्सरी कर देती है, और ये आपकी प्रॉपर्टी साइट के आसपास हो रखी डेवलपमेंट के देख रेख के लिए आपसे चार्ज किया जाता है। ये चार्ज लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। सो गाइज, ये चार्जेस जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये आपको बेसिक चार्जेस के अलावा देने ही होते हैं, एंड इन सब की कॉस्टिंग जुड़ने के बाद आपकी लगभग 40 लाख की प्रॉपर्टी मिनिमम 55 लाख तक पहुंच ही जाती है। ऑल्दो इनके अलावा भी कई और सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि इंटीरियर कॉस्ट। घर खरीदना ही सब कुछ नहीं हो जाता है, उसमें रहने के लिए आपको इंटीरियर भी कराना पड़ता है। मोस्टली बिल्डर्स एक अनफर्निश्ड अपार्टमेंट देते हैं, जिसमें कस्टमर बाद में इंटीरियर वुडन वर्क खुद कराते हैं। अगर एक मिनिमम अमाउंट की बात करें तो इंटीरियर में आपका लगभग टोटल कॉस्टिंग का 1-2% तक लग जाता है। साथ ही मोस्टली कस्टमर्स किसी ना किसी फर्म या ब्रोकर के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जहां उन्हें प्रॉपर्टी की टोटल कॉस्टिंग का अराउंड 1-2% एज ब्रोकरेज चार्ज भी देना होता है। कभी कभी वास्तु कंप्लायंट अपार्टमेंट के भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं। सो बेसिकली एडिशनल और हिडन कॉस्ट की कैटेगरी में जीएसटी, मेंटेनेंस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कनेक्शन चार्जेस, रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस फॉल करते हैं। और क्योंकि ये अदर चार्जेस की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए बैंक्स भी इन चार्जेस को फंड नहीं करते हैं। इसलिए कस्टमर को बिल्डर से बेसिक प्राइस के साथ साथ ये एडिशनल चार्जेस के बारे में भी अच्छे से जान समझ लेना चाहिए, ताकि उसी अनुसार वो प्रॉपर्टी की टोटल यानी कि कुल कीमत का अंदाजा लगा लें और उसी हिसाब से अरेंजमेंट करें। प्रॉपर्टी खरीदने में आपकी सेविंग्स का एक बहुत बड़ा अमाउंट जाता है, और ये हिडन कॉस्ट जब जुड़ जाती हैं तो प्रॉपर्टी की ओवरऑल कॉस्टिंग और भी बढ़ जाती है। इसलिए बायर्स को घर खरीदने से पहले प्रॉपर रिसर्च कर लेनी चाहिए और सारे फैक्टर्स ध्यान में रखकर बजट सेट कर लेना चाहिए। नोइंग व्हाट यू हैव टू पे मेक्स द प्रोसेस टेंशन फ्री एंड स्मूथ फॉर यू। एंड विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। फॉर मोर सच प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोज, सब्सक्राइब टू आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री। Thank you so much for watching.